मुल्तान से मैं हूँ हारून ताहिर। मीठी ईद की खुशियों को बड़ा बनाने के लिए शहर ओलिया की बाजारों में रौनकें सज गई, जहाँ शहरी अपनी ईद की शॉपिंग में मसरूफ दिखाई देते हैं। आए आपको शहर ओलिया के बाजार दिखाते हैं, जहाँ शहरी अपनी ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही मुल्तान के बाजारों की रौनकें अपने अरूज को पहुंच गईं। खवातीन, बच्चे और बड़े सभी बाजारों में अपनी पसंद के कपड़े, जूतों और मैचिंग ज्वेलरी की तलाश में सरगर्दा नजर आता है। देख रहे हैं आजकल मैचिंग वगैरह, जैसे कि चूड़ियां लेनी है, सैंडल्स लेने हैं, कपड़े तो बकायदा हमने खरीद लिए हैं। इस ईद पर मैं अपने लिए सब कुछ खरीद रही हूँ और हर चीज बहुत अच्छी है। बेशक महंगी है, लेकिन अपने लिए हर चीज खरीद रही है, ज्वेलरी, जूते। बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय करें। यहाँ शॉपिंग करने के लिए हम आए हुए हैं और बहुत एक्सपेंसिव चीजें हैं। बाजारों में रश के बावजूद दुकानदार ईद के दिनों में होने वाले कारोबार से कुछ खास मुतमईन दिखाई नहीं देते। दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बाइस शहरियों की कुव्वत खरीद में मुतासिर हो गई है। शहरी चाहते हैं कि चीजें सस्ते दामों ही मिल जाएं। मार्केट की सूरत हाल में ये है कि रश तो है, लेकिन काम नहीं है लोगों के ना। महंगाई इतनी हो गई है, ग्राहक रुकता नहीं है, इस वजह से रेट सुन के ही भाग जाता है। बढ़ती महंगाई से बेपरवाह खवातीन तो सिर्फ मैचिंग ज्वेलरी खरीदने में ही मसरूफ दिखाई देती हैं, जबकि बच्चे तो बाजी है कि सब कुछ ही खरीद कर घर ले जाना है।